सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा कि सर स्टैमरिंग, अटकने वाला, अकलाने वाला शुरू के अल्फाबेट पे क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। अब देखो, अटकने वाले का मतलब क्या होता है? रुक रुक के बोलना। मैं कोई बात बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं ज़्यादा रुक रहा हूँ, मेरी स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आ रहे हैं गाड़ी चलाते समय, तो गाड़ी चलने में भी मज़ा नहीं आएगा और गाड़ी भी ऊपर नीचे होगी। ऐसी हमारी स्पीकिंग के साथ हो रहा है। मैं बोलना तो चाह रहा हूँ, मेरा मन भी कर रहा है लेकिन मैं उसको लगातार नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों नहीं बोल पा रहा और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू के अल्फाबेट पे क्यों आती है? अटकने का मतलब बता दिया, लगातार ना बोल पाना। अब ये प्रॉब्लम शुरू के अक्षर पे क्यों आती है? क्योंकि कोई भी अटकने वाला इंसान कोई भी बात बोलने लगता है, उसको शुरुआत करते सही, उसको लगता है मैं बोल दूंगा, लेकिन बोलते बोलते एकदम कोई ना कोई अल्फाबेट ऐसा आ गया, वहाँ अटक गए। अब अगर एक जगह अटके फिर आगे अटकना अटकना लगातार शुरू हो गया। जो इंसान सामने बैठा था वो समझ रहा था कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन जब आप एक गलती करके बार बार वो गलती करने पे रिपीट पे मजबूर हो गए तो सामने वाले को भी पता लग जाता है आपकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। तो उसका देखो, वहाँ पे मेन जो रीज़न रहता है वो हमारा स्पीड का लेवल रहता है। एक तो मैं उस बात को ज़्यादा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सेकेंडली मैं जोर लगा के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना अक्षर पे जोर लगेगा, सांस का लेवल हर एक का एक लिमिटेड होता है, उस सांस के लेवल के अंदर मैं 2 वर्ड भी बोल सकता हूँ और 10 वर्ड भी बोल सकता हूँ। डिपेंड करता है मेरे पे मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा जोर लग गया तो सारा सांस 2 अक्षरों में 2 वर्ड में ख़त्म हो गया, फिर हमें लगता है कि सर ब्लॉकेज आ गई। ब्लॉकेज आई नहीं, हमने खुद ने क्रिएट कर दी, खुद ने क्रिएट करी, ब्लॉकेज आई, रुक गया, फिर बोला ही नहीं गया। फिर जब मैं लगातार बोलने की कोशिश करी फिर रुक गया। तो उस सिचुएशन में खुद को पहले रिलैक्स कीजिए। अगर आपसे गलती हो गई उसको इग्नोर करो और वहाँ रुक जाओ एक सेकंड के लिए, और दोबारा अपने बेसिक्स पे वर्क करो कि मेरे को किस स्पीड में मैं लगातार बोल सकता था, उसी के अंदर वापस रिकवर करो। तब आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को 100% रिकवर कर जाएंगे। लोग पूछते हैं क्या 100% इस चीज़ के रिजल्ट आते हैं? मैं कहता हूँ यस आते हैं, और लोगों ने लिए हैं और लोगों को फ़ायदा हुआ है। स्लो स्पीकिंग के अंदर नहीं करवाते हम, नॉर्मल स्पीकिंग में आपको रिजल्ट दिलवाएंगे। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना, एक सेशन में लाइव रिजल्ट देख लो और हमारे हिसाब से थोड़े दिन की मेहनत कर लो, कभी भी प्रॉब्लम रिपीट भी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।